तो उनियारा में पीएम चुनावी सभा को संबोधित जहां करेंगे, तो वहीं करीब 10 बजे उनियारा पहुंचेंगे। बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में ये जनसभा को आयोजित किया गया है, जहां भव्य तरीके से तैयारियां की गई हैं। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जहां पर जो सभा स्थल है उसका जायजा भी लिया। अधिकारियों ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम रखे हैं। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा भी आज साथ रहेंगे मौजूद, और बीजेपी के प्रत्याशी हैं टोंक सवाईमाधोपुर से सुखबीर सिंह जौनापुरिया, जिनके पक्ष में वोट की अपील आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा की जाएगी। दिलचस्प फाइट है, दोनों ही कैंडिडेट्स, चाहे सुखबीर सिंह जौनापुरिया हो या कांग्रेस के कैंडिडेट हो, दोनों ही अपने आप में एक हरीश मीणा की बात करें या फिर सुखबीर सिंह जौनापुरिया की बात करें, दोनों ही अपने आप में एक अच्छे नेता हैं। दोनों का अच्छा खासा दबदबा है। जाति समीकरण को साधते हुए जहां कांग्रेस ने एक तरफ हरीश मीणा को उतारा, तो वहीं सुखबीर सिंह जौनापुरिया पर इस बार दांव आजमाया है बीजेपी ने। हालांकि 2019 में बीजेपी के खाते में ये सीट गई थी, लेकिन 2024 की फाइट दिलचस्प है। कांग्रेस जहां खाता खोलने के लिए कोशिश कर रही है, तो वहां बीजेपी मिशन 25 में जुटी हुई है। और वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने पी चिदंबरम के बयान की निंदा की है, कहा है कि कानून बदलने के लिए सरकार में आना पड़ता है। चिदंबरम ने सरकार बनने पर सीए समेत 3 नए आपराधिक कानून वापस लेने की बात कही थी। तो गृह मंत्री अमित शाह ने पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम पर पलटवार किया। सीएए को लेकर उन्होंने जो बड़ी बातें कही थी कि वापस लेने की बात कही थी, आपराधिक कानून, नया आपराधिक कानून वापस लेने की बात कही, इस पर गृह मंत्री अमित शाह ने तंज कसते हुए कहा कि इसको कोई भी कानून वापस या बनाने के लिए मौजूदा सरकार में होना जरूरी है, वापस आना होता है, इसीलिए ये बड़ी बात हो गई है। तो अमित शाह ने पी चिदंबरम के बयान की निंदा की और साफ तौर पर कहा कि वापस लेने की वकालत अगर की गई है पी चिदंबरम के द्वारा, तो सरकार में पहले उनको आना चाहिए। और अब खबर चित्तौड़गढ़ से है, जहां बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने भिंडर कस्बे में एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा है कि लोकसभा चुनाव के बाद नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। मेरा दावा है कि मोदी के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद बाबर का बच्चा बच्चा जय श्री राम बोलेगा। सीपी जोशी ने कांग्रेस पार्टी पर जमकर निशाना भी साधा। क्या कुछ और कहा है वो आपको सुनाते हैं। स्पष्ट रूप से कहा कि अकबर महान है और वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप ने अपनी माटी के लिए या हिंदू मुस्लिम युद्ध नहीं होके वो सत्ता के लिए युद्ध लड़ा था, शायद वो भूल गए। अगर सत्ता के लिए लड़ते तो वो कभी भी समझौता कर लेते, लेकिन उन्होंने कभी पराधीनता स्वीकार नहीं की, संघर्ष किया, लेकिन मुगलों के हाथों मेवाड़ को कभी नहीं दिया, कभी पराधीन नहीं होने दिया, स्वाधीनता के लिए सब कुछ कर दिया। लेकिन कांग्रेस ने हमेशा अकबर को महान माना है। आज भारतीय जनता पार्टी का शासन आते ही हमारे बच्चे पाठ्यपुस्तकों में महाराणा प्रताप की गौरव गाथाएं सुन रहे हैं। इनके प्रदेश अध्यक्ष अकबर को महान मानते हैं, इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष सनातन को डेंगू मलेरिया मानते हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष के बेटे उससे भी आगे हैं। और मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा और उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने कोटा बूंदी सीट से भाजपा प्रत्याशी ओम बिरला के समर्थन में प्रचार किया। इस दौरान लाडपुरा में हुए कार्यकर्ता सम्मेलन में मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण की राजनीति की है। कोटा में जो लोग वर्ग विशेष से 100% वोटिंग का आग्रह कर रहे हैं, जनता उन्हें मुंहतोड़ जवाब देगी। वहीं ओम बिरला ने भी कहा कि कांग्रेस के राज्य में भाजपा के विधायकों के क्षेत्रों के साथ भेदभाव किया गया है। और खबरों में आगे बढ़ते हुए बताते चले कि मंत्री जवाहर सिंह भेडम सोमवार देर रात भीलवाड़ा पहुंचे, जिनका बीजेपी विधायक उदयलाल भड़ाणा और बीजेपी जिलाध्यक्ष प्रशांत मेवाड़ सहित कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने न्यूज 18 से खास बात की। बात करते हुए संविधान बदलने के सवाल पर भेडम ने कहा कि यह कांग्रेस के लोगों की हताशा है, जिस तरह से जनता ने उन्हें नकारा है। क्या कुछ और कहा वो सुनाते हैं। राजस्थान सरकार में गृह मंत्री जवाहर सिंह भेडम भीलवाड़ा पहुंचे हैं। जिला प्रशासन भीलवाड़ा ने स्वागत किया है, मांडर के विधायक उदयलाल भड़ाना ने स्वागत किया है। हमारे साथ मंत्री जी हैं, आइए इनसे बात करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका भीलवाड़ा में। पहले फेज से सेकंड फेज की तरफ चुनाव बढ़ रहे हैं, क्या उम्मीदें लग रही है, बीजेपी कितनी कॉन्फिडेंट है? देखिए, आपको पहले ही दिन से मालूम चल गया होगा, जब से चुनाव की घोषणा हुई, राजस्थान बीजेपी में है।
प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल शर्मा जी ने अपने जो पिछले 4 महीने का कार्यकाल रहा है 45% काम संकल्प पत्र के पूरे करने का कीर्तिमान स्थापित किया है। 25 की 25 सीटों भारतीय जनता पार्टी खाते में जाएंगी। सर कहीं ना कहीं कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं लगातार जो आरोप लगा रहे हैं कि संविधान बदल दिया जाएगा 400 सीट आने पर, लोकतंत्र खतरे में है, यहाँ तक कि कानून में संशोधन लाने की बात वो कह रहे हैं, ये उनकी हताशा है, कांग्रेस के लोगों की हताशा है। जिस तरह से जनता ने उनको नकारा है, उनको कोई सीरियस नहीं लेता, उनके जो नेता आ रहे हैं उनकी पब्लिक उनको सुनने तक नहीं आ रही है, जो उन्होंने स्टार प्रचारक बना रखे हैं उनके हेलीकॉप्टर को देखने के लिए तो कुछ लोग आते हैं लेकिन उनकी सभा को सुनने के लिए कोई नहीं रुकता है। अमित शाह जी का बयान कल परसों पड़ा होगा और मोदी जी की स्पष्ट नीति है कि जो लोग वंचित हैं उनको मौका मिलना चाहिए। संविधान में कोई परिवर्तन नहीं कर रहा, समय समय पर जो पिछली बार संशोधन हुए हैं तो सबसे अधिक बार कांग्रेस के शासन में संविधान में संशोधन हुए, जैसी जैसी जरूरतें हुई है उसके अनुरूप जनता के प्रति क्या काम अच्छे किया जा सकते हैं उसमें संशोधन करने की दरकार यदि देखें तो 100 से ज्यादा संशोधन हुए हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी ने संशोधन किए थे? माननीय प्रधानमंत्री जी और देश के गृह मंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट सोच है कि भारत संविधान के अनुरूप चलेगा। आरक्षण खत्म करने की बात कांग्रेस के नेताओं की मैं कह रहा हूँ उनकी हताशा है, वो बिल्कुल नीचे के स्तर पर आ गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कोई निर्णय किया और सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद भारत की सरकार ने पुनः उस रिजर्वेशन की व्यवस्था को आगे बढ़ाने का काम किया। आर्थिक रूप से पिछड़े हैं उनको 10% रिजर्वेशन देकर के भारतीय जनता पार्टी ने कीर्तिमान स्थापित करने का काम किया। तो भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि जो वंचित है उसको मौका मिले, उसके लिए समर्पित रूप से काम कर रही है। कांग्रेस के लोग भ्रम फैला करके जनता को गुमराह करके फिर इस भारत को पीछे धकेलने की जो कोशिश कर रहे हैं उसको जनता इनके मंसूबों को कामयाब। सराठी के साथ राहुल कौशिक, न्यूज 18 राजस्थान। और अब आपको बिहार से खबर बता देते हैं क्योंकि इस बार लोकसभा चुनाव में बिहार में पूर्णिया सबसे हॉट सीट है। आरजेडी उम्मीदवार के खिलाफ जाकर पप्पू यादव चुनावी मैदान में कूद पड़े हैं, जिसके बाद आरजेडी नेता और पप्पू यादव एक दूसरे पर जमकर प्रहार भी कर रहे हैं। इसी बीच कल तेजस्वी यादव की रैली में पप्पू यादव के नारे लगने लगे, जिसके बाद तेजस्वी ने मंच से ऐलान करते हुए कहा या तो आप इंडिया को वोट करें या एनडीए उम्मीदवार को वोट करें, किसी तीसरे उम्मीदवार को वोट ना दें। एकजुट रहना है, किसी के धोखे में नहीं आना। ये कोई एक व्यक्ति का चुनाव नहीं है, ये दो धारा, या तो एनडीए या तो इंडिया, या तो एनडीए या तो इंडिया की लड़ाई है। या तो आप इंडिया को चुनो, और इंडिया को अगर नहीं चुनते हो बीमा भारती को तो आप एनडीए को चुनो। साफ बात हमको तो विधायक भी नहीं बनने देना चाहते थे, नागोपुर जा करके हमको हरवाने का काम कर रहे थे भाजपा के हेलीकॉप्टर पे घूम करके। मेरे पिता लालू जी को गाली दिया गया, हर किसी को गाली दिया गया, लेकिन तेजस्वी ने आज तक एक बार भी अब शब्द किसी को नहीं कहा। और अभिषेक बनर्जी के घर और आवास की रैकी के मामले में अब सियासी पारा हाई हो गया है। खबर आपको कलकत्ता से बता रहे हैं। पश्चिम बंगाल एक तरफ जहां टीएमसी इसे गहरी साजिश बता रही है, तो वहीं बीजेपी ने ममता बनर्जी पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। असल में कोलकाता पुलिस ने मुंबई से राजा राम रेगे नाम के शख्स को गिरफ्तार किया है और आरोप है कि वो मुंबई से कोलकाता आकर अभिषेक बनर्जी के घर और आवास की रैकी कर रहा था। टीएमसी ने तो यहां तक दावा कर दिया कि 26/11 मुंबई हमलों की तरह की साजिश रची जा रही थी। हालांकि रैकी करने वाले शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और कोर्ट में पेशी के बाद उसे 5 दिन की पुलिस रिमांड में भी भेज दिया है। कलकत्ता पुलिस बहुत अच्छा एक्शन लिया, ये इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, इसके पीछे कौन है, कौन असाइनमेंट दे रहा है, किसका कहने पे, किसका सुपारी से ये काम कर रहा है, ये अभी इन्वेस्टिगेशन के पार्ट है। पश्चिम बंगाल का पुलिस और मुख्यमंत्री महोदया के भाषण में कोई मिलीभगत है? कौन किसको बोलता है? देखिए ये चीज़ कोई बहुत इसको हल्के से नहीं लेना चाहिए। जहाँ तक अभिषेक बनर्जी की सुरक्षा बढ़ाने का है, ये पश्चिम बंगाल सरकार का अधीन है, वो जो इच्छा करें। हमको तो ये सुनने में आता है कि जब वो एक जैसे दूसरे जगह जाते हैं
तो 2500 से अधिक सिपाही उनके संग चलते हैं, 2500। ये शायद माननीय प्रधानमंत्री जी के संग भी इतना बड़ा सुरक्षा डिटेल नहीं चलता है। और अब वो बात ईरान और इसराइल की, क्योंकि इसके बीच किसी युद्ध के हालात खत्म नहीं हुए हैं। इससे पहले कि बेन्यामिन नेतन्याहू कोई बड़ा फैसला लें, वो तीन बहुत ही गंभीर क्राइसिस से घिर चुके हैं। अब इसराइल की सेना को डर है कि कहीं इस हालात का फायदा ईरान ना उठा ले। देखिए रिपोर्ट। चौबीस घंटों के अंदर इसराइल और ईरान की टक्कर में तीन बड़ी घटनाओं ने बेन्यामिन नेतन्याहू को पूरी तरह हिला कर रख दिया है। नेतन्याहू को शॉक नंबर वन, अमेरिका ने इजरायली सेना की एक स्पेशल यूनिट पर प्रतिबंध लगाने की तैयारी कर ली है। नेतन्याहू को शॉक नंबर टू, इसराइल की मिलिट्री इंटेलिजेंस के चीफ ने पद से इस्तीफा दे दिया है। नेतन्याहू को शॉक नंबर तीन, ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई ने कहा है कि ईरान की मिसाइल पावर देखकर इसराइल खौफ में डूब चुका है। इस वक्त ईरान के इसराइल पर हमले और गाजा पर इसराइल की लगातार बमबारी के बीच नेतन्याहू की बहुत ही खतरनाक फोर्स इंटरनेशनल हेडलाइन बन चुकी है। पश्चिमी मीडिया देखिए, उनके अखबार देखिए, इसराइल की नेत्जा यहूदा बटालियन पर बाइडन प्रतिबंध लगाने जा रहे हैं। इस बटालियन पर आरोप है कि उसने फिलिस्तीनियों पर खूब जुल्म ढहाए हैं। देखा जाए तो अमेरिका से आ रही ये खबरें बता रही हैं कि बहुत बड़े विवाद में घिर चुकी है इसराइल की नेत्जा यहूदा बटालियन। इस बटालियन पर वेस्ट बैंक में मानवाधिकार उल्लंघन का इल्जाम है। 1999 में बनाई गई बटालियन में सिर्फ पुरुष सैनिक हैं और वो भी अति रूढ़िवादी पुरुषों को इसमें लिया जाता है। नेत्जा यहूदा बटालियन पर लगे इल्जाम 7 अक्टूबर 2023 से पहले के हैं, लेकिन वेस्ट बैंक का दूसरा सच ये है कि 7 अक्टूबर के बाद से वहां 460 से ज्यादा लोगों की इसराइल की सैन्य कार्रवाई में मौत हो चुकी है। इसराइल की नेत्जा यहूदा बटालियन पर प्रतिबंध लगाने का मतलब है कि इससे अमेरिका से कोई सैन्य मदद नहीं मिलेगी। इसलिए यही है बेन्यामिन नेतन्याहू को शॉक नंबर वन। नेत्जा यहूदा बटालियन पर पाबंदी का मतलब इसराइल की सेना पर काला धब्बा। नेतन्याहू पहले ही अपने घर में लगातार प्रदर्शनों से जूझ रहे हैं और अब उन्होंने अमेरिका की तरफ से आ रही इस रिपोर्ट को नाक का सवाल बना लिया है। बाइडन का आक्रामक रवैया देखकर नेतन्याहू को बहुत गुस्सा आया है। अब नेतन्याहू की तरफ से रिएक्शन ऐसा आया है कि साफ लग रहा है कि इसराइल अब ईंट से ईंट बजा देगा, उसकी राह में जो आएगा तबाह कर दिया जाएगा। אני אגן בחירוף נפש על צה"ל, על הצבא שלנו ועל הלוחמים שלנו. אם מישהו חושב שהוא יוכל להטיל סנקציות על יחידה בצה"ל... अब देखिए, बेन्यामिन नेतन्याहू को शॉक नंबर टू। इजरायली सेना के इंटेलिजेंस चीफ एहरॉन हलीवा ने इस्तीफा दे दिया है। 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इसराइल पर हमला किया। पूरी दुनिया ने इजरायली टैंकों को जलते हुए देखा। 1000 से ज्यादा इजरायली नागरिकों और सैनिकों की मौत हुई। इसी के बाद से इसराइल में अंदरूनी कोहराम मचा था। इस हमले के बाद इजरायली मिलिट्री इंटेलिजेंस के प्रमुख मेजर जनरल एहरॉन हलीवा बहुत दबाव में थे और अब उन्होंने अपने ओहदे को छोड़ने का फैसला किया। ये ऐसा वक्त है जब नेतन्याहू के सामने बहुत से फ्रंट खुले हुए हैं और उनके कमांडर भी बहुत ज्यादा प्रेशर में हैं। गाजा पर रोजाना नॉन स्टॉप बमबारी के बावजूद इसराइल अब तक हमास को खत्म कर पाने में नाकाम साबित हुआ है। गाजा में 34,000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है, लेकिन नेतन्याहू अब भी खाली हाथ है।
2024 में अप्रैल का महीना इसराइल के लिए ही नहीं, इसराइल के प्राइम मिनिस्टर बेनामिन नेतन्याहू के लिए भी बहुत बड़ा शॉक लेकर आया है। अमेरिका इसराइल की मदद करने की बजाय उसकी सेना पर पाबंदी लगा रहा है। इसराइल की पब्लिक नेतन्याहू के खिलाफ सड़कों पर उतर चुकी है और इन सबके बीच ईरान से बड़े युद्ध का खतरा अब तक टला नहीं है। तेहरान में ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामनेई ने मिलिट्री कमांडर्स की एक मीटिंग बुलाई। इसे ईरान की पावर स्टेटमेंट कहा जा रहा है, क्योंकि खामनेई ने इस मीटिंग में ऐसी बात कह दी है जिसे लेकर इजरायल के जवाबी हमले वाले दावों पर सवाल और तेज हो गए हैं। زنجان چندش خورد چندش نخورد اینا مسائل در دست دومه. مسئله اول ظهور قدرت اراده ملت ایران. इसराइल का दावा है कि उसने ईरान के हमलों को नाकाम कर दिया था, क्योंकि 300 से ज्यादा ड्रोन और मिसाइलों से अटैक हुआ और 98% हमलों को आसमान में ही रोक दिया गया। जबकि इसराइल से आई तस्वीरों से साफ है कि 13 अप्रैल की रात ईरान की कुछ मिसाइल इसराइल के सुपर सीक्रेट नेवातिम एयरबेस पर गिरी थी। इन मिसाइलों के साथ बड़े बम नेतन्याहू के साथ इसराइल की साख पर गिर रहे हैं। नेतन्याहू के कमांडर इस्तीफा दे रहे हैं। नेतन्याहू से इसराइल की पब्लिक पूछ रही है कि गाजा में बंधक बनाए हुए लोग कब आजाद होंगे। इसराइल से लगातार पूछा जा रहा है कि ईरान को कहां मारा, कैसे मारा, किससे मारा, कितनों को मारा, सबूत कहां है। और रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला जारी है, देखते रहिए न्यूज 18 राजस्थान। नीचे छुपा कर रखी हुई थी, पुलिस ने आयकर विभाग को सूचना दी और आज आयकर विभाग जब्ती गई चांदी और नकदी की जांच करेगा। सलमान खान के घर पर फायरिंग मामले में मुंबई क्राइम ब्रांच को बड़ी कामयाबी मिली। पुलिस ने सूरत की ताप्ती नदी से वो पिस्तौल बरामद कर ली है जिससे सलमान को डराने की साजिश रची गई थी। साजिश के तार सीधे लॉरेंस बिश्नोई से जुड़े हैं, इसलिए पुलिस अब लॉरेंस बिश्नोई से पूछताछ के लिए कोर्ट में अपील दायर करेगी। देखिए रिपोर्ट। सलमान खान के घर पर गोली चलाने वाले शूटर अब नहीं बचेंगे। मुंबई पुलिस को शूटरों के खिलाफ सबसे बड़ा सबूत मिल गया। शूटरों पर कसा कानूनी शिकंजा, लॉरेंस बिश्नोई पर भी कसेगा महाराष्ट्र पुलिस का फंदा। सलमान खान के घर पर हुई फायरिंग में इस्तेमाल की गई पिस्तौल मुंबई क्राइम ब्रांच ने बरामद कर ली है। क्राइम ब्रांच के मुताबिक सोमवार को सूरत की ताप्ती नदी से वो पिस्तौल बरामद कर ली गई जिससे कि सलमान खान को डराने की साजिश रची गई थी। पुलिस को पिस्तौल के साथ साथ कुछ जिंदा कारतूस भी मिले हैं। मुंबई क्राइम ब्रांच ने सोमवार सुबह से ही सूरत में सर्च ऑपरेशन शुरू किया था। इसी मामले में गुजरात के बुद से दो आरोपियों को अरेस्ट किया गया था। वही मुंबई क्राइम ब्रांच ने इस मामले में चौंकाने वाला खुलासा किया है। ये बताया कि सलमान खान के घर पर गोली चलाने वाले शूटरों को 10 राउंड फायरिंग का आदेश दिया गया था। सूत्रों के मुताबिक अनमोल बिश्नोई ने दोनों शूटरों को 10 राउंड फायरिंग करने का आदेश दिया था, इसीलिए दोनों शूटर एक नहीं बल्कि दो दो पिस्तौल लेकर सलमान खान के घर के पास पहुंचे थे। एक पिस्तौल सागर पाल के पास थी जबकि दूसरी विकी गुप्ता के पास। फायरिंग की घटना को अंजाम देने के बाद शूटरों ने दोनों पिस्तौल को सूरत की ताप्ती नदी में फेंक दिया था जिसे बरामद कर लिया गया है। जांच के दौरान ये भी पता चला कि दोनों शूटरों को बंदूकें बिश्नोई गैंग के लोगों ने ही मुहैया कराई थी, लेकिन अब तक उनकी पहचान नहीं हो पाई है। सलमान के घर पर फायरिंग से पहले एक पिस्तौल लेकर दोनों शूटर बिहार गए थे जहां पर दोनों ने फायरिंग करने का पूरा अभ्यास किया था। सलमान खान के घर पर फायरिंग को अंजाम देने के बाद शूटर विकी गुप्ता अपने छोटे भाई सोनू गुप्ता से संपर्क में था और उससे काफी देर तक बात की थी। इसी के आधार पर क्राइम ब्रांच अब भी सोनू गुप्ता से लगातार पूछताछ कर रही है। क्राइम ब्रांच सूत्रों के मुताबिक सलमान खान के घर पर दोनों शूटरों को गोली चलानी थी, लेकिन पकड़े जाने के डर से एक ही शूटर गोली चला पाया। पुलिस के मुताबिक इस मामले में ज्यादातर सबूत इकट्ठा कर लिए गए हैं और इसी आधार पर बहुत जल्द मुंबई क्राइम ब्रांच लॉरेंस बिश्नोई की कस्टडी के लिए कोर्ट में अपील करेगी।
इस मामले में मुंबई क्राइम ब्रांच ने अब तक 10 लोगों का बयान दर्ज किया है। हालांकि उस कार ड्राइवर का बयान दर्ज कर पाना अब भी बाकी है जिसकी कार से दोनों शूटर दहिसर से सूरत तक भागने में कामयाब हुए थे। मुंबई क्राइम ब्रांच की पूछताछ में शूटर सागर पाल ने यह बताया कि सलमान खान को टारगेट करने के लिए लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने 6 महीने पहले सितंबर 2023 में संपर्क किया था। हरियाणा में काम करने के दौरान सागर पाल सितंबर 2023 में बिश्नोई गैंग के संपर्क में आया था। इसके बाद बिश्नोई गैंग ने सागर पाल को सलमान खान के घर पर फायरिंग करने का टारगेट सौंपा था। टारगेट मिलने के बाद सागर पाल ने विकी गुप्ता को काम दिलाने के बहाने हरियाणा बुलाया था, जिसके बाद अनमोल बिश्नोई ने सलमान खान के घर पर फायरिंग करने की साजिश का पूरा खाका तैयार कर दोनों को मुंबई रवाना किया। यानी कि सलमान खान को डराने की साजिश गुजरात में रची गई, क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई गुजरात की साबरमती जेल में बंद है और वारदात को अंजाम देने के बाद दोनों शूटरों ने भी गुजरात जाकर पनाह ली। और मुंबई के बाद दिल्ली से खबर है जहां पर गैंग वार में एक बदमाश की गोली मारकर हत्या कर दी गई, वहीं दूसरे को 3 गोली लगी है। घायल युवक की हालत नाजुक बनी हुई है। अलीपुर इलाके में सोमवार की दोपहर बाइक सवार बदमाशों ने थाने के घोषित बदमाश नरेंद्र उर्फ ढीलू को गोलियों से भून दिया। उसकी मौके पर ही मौत हो गई। गोलीबारी में उनके एक साथी तरूर के पैर में 3 गोलियां लगी हैं। इनके तीसरे साथी अमित ने मौके से भागकर अपनी जान बचा ली। नरेंद्र को आधा दर्जन से ज्यादा गोलियां मारी गई हैं। शुरुआती जांच में पुलिस को पता चला है कि मृतक अलीपुर थाने के घोषित बदमाश था और वह गोगी गैंग के संपर्क में था। पुलिस ने गैंगवार की आशंका से इनकार नहीं किया है। पुलिस को टिल्लू गैंग के बदमाशों पर वारदात को अंजाम देने का शक है। अलीपुर थाना पुलिस ने हत्या और हत्या की कोशिश का मामला दर्ज कर लिया है। और देश भर में आज पूरे उल्लास के साथ हनुमान जयंती मनाई जा रही है। विश्व प्रसिद्ध धार्मिक स्थल मेहंदीपुर बालाजी में भी हनुमान जयंती के मौके पर अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। मंदिर के महंत ने स्वयंभू बालाजी का पंचामृत स्नान कराकर सोने के चोले से बाल रूप झांकी सजाई है और 56 भोग भी लगाया गया है। इसके बाद महंत द्वारा महाआरती की गई। यहां बड़ी संख्या में श्रद्धालु बालाजी के दर पर पहुंचे। हमारे संवाददाता आशीष शर्मा ने मेहंदीपुर बालाजी मंदिर में हनुमान जयंती को लेकर हो रहे आयोजनों और सजावट का जायजा लिया है। हनुमान जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाई जा रही है। देश के सभी हनुमान मंदिरों में कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। दौसा के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल मेहंदीपुर बालाजी में भी अनेक धार्मिक आयोजन किए जा रहे हैं। सुबह से ही यहां पर अनेक धार्मिक आयोजन हो रहे हैं। पूरे मेहंदीपुर बालाजी कस्बे को दुल्हन की तरह सजाया गया है। आप तस्वीरें देख सकते हो, ऊपर पूरे जो मेहंदीपुर बालाजी का जो मंदिर है वहाँ भव्य सजावट की गई है। आकर्षक झांकियाँ सजाई गई हैं। आपको एक झांकी हम दिखाएंगे जिसमें भगवान हनुमान जी का बाल रूप दिखाया गया है। इसमें बाल रूप की ये तस्वीर आप देख सकते हो अपनी टीवी स्क्रीन पर। आज हनुमान जयंती पर इस तरह की जो झांकी है यहाँ मेहंदीपुर बालाजी में सजाई गई है। इसमें पूरे मेहंदीपुर बालाजी। और तमाम खबरों के साथ मारो राजस्थान में फिलहाल अभी के लिए इतना ही। और खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज 18 राजस्थान।